बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिसमीम मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों आज मैं आपकी ख़िदमत में माहे माहबान के पहले मुबारक के दिन का एक ऐसा अमल शेयर करूंगी एक ऐसी तस्वीर शेयर करूंगी जिसके पढ़ते ही इन शाह बफजल खुदा रब करीम आपकी तमाम हाजत और जरूरियात को पूरा फरमाएगा ये वजीफा ख़ास करके अपने दिल की बातों को अल्लाह से मनवाने का अमल है दुआएं कबूल करवाने का वजीफा है और बड़ा ही ताकतवर ये अमल है अल्लाह के एक नाम का ये वजीफा है जो सिफाती नाम है रब्बे करीम का और जब आप अल्लाह रबुल इज्जत को बड़े ही प्यारे और खूबसूरत नाम से पुकारेंगे और फिर अल्लाह से मांगेंगे तो रब करीम आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि आपको हर वो चीज़ अता करेगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है जैसा की आप सब जानते हैं की माहिर शबान का महीना बड़ा ही बाबरकत महीना है और ये हमारे आका लही सलात सलाम का महीना है और इस महीने में जब आपने अल्लाह इज्जत को आका लही सलात वाम का वसीला देकर अल्लाह से मांगना है तो अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों माहिर शेबान उलमआजम का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह इज़्ज़त हर नेकी का अजर डबल देता है यानी रजब का जो महीना है वो ऐसा है जैसे हमने कोई फसल यानी कोई पौधा लगाया हो शबान का महीना ऐसा है जिस तरह हमने उस पौधे को पानी दिया और वो पौधा जवान हो गया हो और रमजान का महीना ऐसा महीना है की उस पौधे पर फल लग गया हो और हम वो फल खाएंगे और फल पक के तैयार हो गया है और हमने रमज़ान के महीने में उस फल को खाना है इस मिसाल के साथ इन महीनों को तशबीह दी गई है और ये हमारे आकालही व सलाम का फरमाने अली शान है की रजब अल्लाह का महीना है शैबान मेरा महीना है रमजान मेरी उम्मत का महीना है और इन बाबरकत महीनों में जब भी कोई बंदा नेक अमाल करके बारगा इलाही में अपने हाथों को बुलंद करता है अपने हाथों को उठाता है तो अल्लाह करीम उन उठे हुए हाथों की जरूर लाज रखता है याद रखे अल्लाह रबुल इज्जत ने अगर आपके हाथों में ताकत दी है की आप इन हाथों को उठा के अल्लाह से दुआ करे तो ये बात अपने जहन में जरूर रखे की जिस रब ने इन हाथों में ताकत दी है हाथ उठाने के के लिए दुआ मांगने के लिए वो हमें कभी ना उम्मीद नहीं करेगा वो हमें हर वो चीज अता करेगा जिसकी हमें जरूरत और तलब है आप सबर से काम ले अल्लाह के मुआजे का इंतजार करे और फिर देखे अपनी तकदीर और किस्मत को बदलता हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और आखिरत में इतने ज्यादा इनामात और इज्जत से सरफराज फरमाएगा कि लोग आपकी किस्मत पर रश्क करेंगे मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों ये बड़ा ही बाबरकत अमल है जिसे आप किसी भी खास दुआ के लिए किसी भी खास मकसद के लिए पढ़ सकते हैं है कोई भी हाजत पूरी करवाने के लिए किसी भी कामयाबी के लिए रिजक और दौलत के लिए खुशियों के लिए अल्लाह की गैबी मदद हासिल करने के लिए इस अमल को इस वजीफे को आप जरूर पढ़े करना आपने ये है की जुम्मत मुबारक का जो दिन है ये दिन वैसे भी बड़ा बाबरकत है और इसकी हर घड़ी बड़ी कीमती है तो आपने जुमतुल मुबारक वाले दिन किसी भी टाइम किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद एक सौ मरतबा या गफुरू या गफुरू या गफुरु का विद करना है अव्वल आखिर सात सात मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है फिर आपने अल्लाह रबुल इज़्ज़त से ये तीन दुआएं जरूर करनी है कि मौला जो भी हमने तेरा जिक्र किया तेरा नाम पढ़ा इसकी बरकत से मौला हमें अपनी रहमतों, बरकतों और इनामत से नवाज दे और इस महीने के तमाम खैर हमारी खाली झोलियों में डाल दे। ये दुआएं मांगने के बाद अल्लाह से दुआ करे कि मौला हमें अपनी हिफाजत में रखना हमें हर शर से महफूज रखना और हमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा इसके बाद फिर आपका जो भी मकसद है जो भी आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है जो भी आप अल्लाह से अपने दिल की बात मनवाना चाहते हैं उसके लिए अल्लाह से रो कर दुआएं करे नबी का वसीला देकर अल्लाह से दुआएं करे अल्लाह करीम आपकी हर वो दुआ जरूर सुनेगा जो आपके हक में बेहतर होगी इस बाबरकत तस्बीह को आप जुमा के दिन खुद भी पढ़े अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें और इस वजीफे को आप माह माहिर मुअज्जम के हर जुमा को पढ़ के अपने रब की बारगाह में हाजिर हो अल्लाह से ऐसी करें और फिर अपनी तकदीर को बदलता हुआ खुद अपनी आंखों से देखे जिजात